इस समय हम, मैं जिला ब्यूरो टुडे 24 से, इस समय हम जय हिंद महामंच के जिला कार्यालय में अध्यक्षा रीना सिंगला जी के साथ बातचीत करते हुए उनके कुछ अंश आपको दिखाने जा रहे हैं। आपने जो कल एक लेटर दिया है जिला मजिस्ट्रेट को, उनका उस उनकी क्या प्रतिक्रिया है उसके प्रति? देखिए, हमने ये जो ज्ञापन दिया है जी, ये हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के लिए दिया है। जो MLA ने कष्ट निवारण कमेटी में सोमवार को तानाशाही और गुंडागर्दी दिखाई अपनी, उसके खिलाफ दिया है। हम अम्बाला को पश्चिमी बंगाल नहीं बनने देंगे, इस चीज़ के लिए दिया है। उन्होंने SP मोहित हांडा जी के ऊपर नजायज दबाव बनाने की कोशिश करी, जो कि किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं होगा। उस दिन कष्ट निवारण कमेटी में उनके किसी रिश्तेदार को के बेटे को पता नहीं मारा है नहीं मारा है, वो तो जांच का विषय है, वो पता चलेगा तो। पर वो विषय ऐसा था कि उसके लिए मुर्दाबाद के नारे नहीं लगने चाहिए। देखिए, SP इज़ नॉट अ सुपरवाइजिंग अथॉरिटी, SP मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। सुपरवाइजरी का काम इंस्पेक्टर और DSP रैंक का रहता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उनको SP को अपनी कंप्लेंट देनी चाहिए थी। अगर SP नहीं सुन रहे हैं तो वो MLA है, विधायक है, तो उनको एक फाइल बना के मुख्यमंत्री जी के पास लेके जानी चाहिए थी, बताना चाहिए था SP गलत कर रहे हैं या उनसे ऊपर के किसी अथॉरिटी से बात करते। अगर SP ने उनका नहीं सुना है तो इसका मतलब यूं तो नहीं है SP गलत हो गई, और उसके लिए मुर्दाबाद के नारे लगाना गलत है। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुछ कानून भी हैं, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और इतनी भरी पब्लिक में विधायक ये काम करे गलत बात है, क्योंकि मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम विपक्ष का होता है। हम सरकार में हैं, विधायक उसी सरकार का है, ये बहुत गलत हुआ है और इससे क्राइम बढ़ेगा। क्राइम कैसे बढ़ेगा? जो भी कोई काम गलत करेगा अपने साथ 10-15 इन्फ्लुएंशियल लोग ले जाओ और मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाओ, दबाव बनाओ और अपने फेवर में रिपोर्ट बना लो। ये हम नहीं होने देंगे। इसमें हमारा जय हिंद मंच, जो कि एक गैर राजनीतिक मंच है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी हैं, उन्होंने साफ कहा है हम कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत ना होगा ना होने देंगे। क्योंकि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके आदर्शों और संस्कारों के अनुसार ही देश चलेगा, इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। और हमने अम्बाला में देखा है कि इन विधायक के सारे रिश्तेदार परिवार के लोग ही हैं, इन्होंने कभी आम पब्लिक के लिए, सारी पब्लिक इनसे दुखी है, लेडीज तक दुखी है। मैं खुद इनके यहाँ गई थी, आर्मी स्कूल में बच्चों के बाल काट दिए थे, मुझे इनके भाई ने कहा, इनके भाई से मिली, कह रहे फिर क्या हो गया, बस फौजियों के बच्चे हैं। देखिए, एक बात सुनिए, वो फौजियों के बच्चे हैं, फौजियों के लिए बाल कटेंगे, फौजियों के ऊपर सख्ती है, फौजियों को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये कोई कानून नहीं है कि फौजी के बच्चे के भी बाल कटेंगे, फौजी को भी तुम तंग करोगे। आप मेरे बच्चे को हाथ लगाओ, अपने बच्चे को हाथ करवा दोगे आप? ऐसा नहीं होगा। तब से मैं समझ गई हमारा विधायक हमें गलत मिला है, क्योंकि इस तरह की बोलना ही अपने आप में गलत है। और ये जो हरकत उस दिन हुई है, जिसमें कि कष्ट निवारण कमेटी में मंत्री जी थे पवार साहब, कृष्ण पवार जी, उनकी मौजूदगी में ये सब होना गलत है। वहाँ पे 300-400 लोग थे, लोगों पर भी बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है। और अम्बाला की आज सारी जनता SP मोहित हांडा जी के साथ हैं,